नमस्कार, पीसीए न्यूज़ के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि लॉकडाउन के दौरान कई लोग ऐसे ही गाड़ियां लेके घूमते हैं और मज़े से घूमते घूमते लोगों को परेशान करते हैं, खुद भी कोरोना से ग्रस्त हो जाते हैं, औरों को भी ग्रस्त कर देते हैं और परिवार को भी तकलीफ़ देते हैं। इसी वजह से ठाणे ट्रैफिक पुलिस के DCP श्री अमित काले ने यह घोषणा की है कि जो कोई भी ठाणे क्षेत्र के अंदर यानी ठाणे से कल्याण, बदलापुर, उल्लासनगर, डोंबिवली, कलवा, मुमरा, इन जगहों पर कहीं भी किसी को भी अगर बिना कारण के गाड़ी से घूमते पाया गया तो उन पर कार्रवाई की जाएगी और उनकी गाड़ी जब्त की जाएगी। टैक्सी में 1+2, कार में 1+2, रिक्शा में 1+2, इससे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को देखा गया तो उस पर भी कार्रवाई होगी और जो गाड़ी चला रहा है उन पर भी कार्रवाई होगी और गाड़ी जमा हो जाएगी। आप सभी को सूचित किया जाता है एक बार फिर कि आप घरों से न निकलें, घरों में रहें। कोरोना से अब हम छूटे नहीं हैं, जब तक छूट नहीं जाते तब तक आपको घरों में रहना है और कोरोना से डट के लड़ना है। फिर से एक बार बता दूं आपको कि ठाणे ट्रैफिक पुलिस की ओर से आप सभी को सूचित किया जाता है कि बिना कारण के घर से न निकले। जो बिना कारण के घर से निकलेगा गाड़ी पर, लोग टू व्हीलर पे 3 आदमी, 2 आदमी, कभी कभी तो 4 लोगों को भी देखा गया है। कृपया करके टू व्हीलर पर अगर कहीं भी आपको जाना है, आपको ज़रूरी काम है और जाना है, तो कृपया एक ही व्यक्ति जा सकता है। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति टू व्हीलर पर पाया गया तो उसकी टू व्हीलर जब्त की जाएगी और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जय हिंद। ठाणे पुलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये ठाणे, भिवंडी, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर या 4 महानगरपालिका, अंबरनाथ आणि बदलापूर या 2 नगरपालिका या संपूर्ण कार्यक्षेत्रामध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाच्या पेशंट्समध्ये वाढ होत आहे। या सर्व पार्श्वभूमीवरती नागरिकांनी घरामध्ये राहणे अपेक्षित आहे। ज्या इसेन्शियल त्यांना सर्व्हिसेस आहेत, इसेन्शियल त्यांना कामं आहेत, त्याकरिता प्रायव्हेट कार, टॅक्सी, ऑटो यामध्ये 1+2 एवढ्या पॅसेंजरला परवानगी आहे। बाईकवरती फक्त सिंगल रायडरला परवानगी आहे। असे असतानाही संपूर्ण ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नागरिक मोठ्या संख्येने घराबाहेर पडत आहेत, त्यामध्ये दिवसेंदिवस कोरोनाच्या पेशंटमध्ये वाढ होत आहे, कंटेनमेंट झोनमध्ये वाढ होत आहे, रेड झोन वाढत आहेत। या अनुषंगाने ठाणे पोलीस आयुक्तालयामध्ये ठाणे वाहतूक पोलिसांनी कालच आम्ही सूचित केल्याप्रमाणे सर्व ठिकाणी कडक नाकाबंदी लावलेली आहे। विनाकारण फिरणारे, गरज नसताना बाहेर पडणारे, वाहनामध्ये 1+2 जास्त कॅपॅसिटी प्रवास करणाऱ्या अशा वाहनांवरती आम्ही कारवाई सुरू केलेली आहे। गाड्या जप्तसुद्धा करतो आहे। साधारणतः काल रात्री 12 वाजेपर्यंत आम्ही कालच्या दिवसामध्ये 2000 वाहनांवरती कारवाई केली। पहाटे 5 पर्यंतसुद्धा साधारणतः 250 वाहनांवरती कारवाई झालेली आहे आणि आतासुद्धा संपूर्ण आयुक्तालयामध्ये जे एंट्री एक्झिट पॉईंट्स आहेत त्यामध्ये कडक नाकाबंदी सुरू आहे। सर्व नागरिकांना आवाहन आहे, त्यांनी घरामध्येच थांबावं, अनावश्यकरित्या बाहेर पडू नये, अन्यथा त्यांना कडक कारवाईला सामोरं जावं लागेल। घरी थांबून स्वतःची काळजी घेणे, सोशल डिस्टन्सिंगचं पालन करणे, मास्कचा वापर करणे, हात वारंवार धुणे, शासनाने दिलेल्या निर्देशांचं पालन करणे, याच माध्यमातून आपण कोरोनापासून स्वतःचा बचाव करू शकतो आणि इतरांचा पण बचाव करू शकतो। तरी घरी राहा, अनावश्यकरित्या बाहेर पडू नका, असं सर्व जनतेला मी ठाणे वाहतूक पोलिसांच्या माध्यमातून जाहीर आवाहन करतो। धन्यवाद। जय हिंद।